हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, टू नाइट इज चेल्सी वर्सेस टॉटेनहम, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस लेजेंडरी ऑफ अ मैच तो डू फॉलो आर डिस्कॉर्ड सर्वर, मतलब ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड सर्वर जहां पे इस मैच का लाइव जो है वो प्रीव्यू किया जाएगा। तो वेट किस बात की, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड ज्वाइन राइट नाउ टू वॉच द मैच लाइव। और भाई साहब, इट्स नॉट ओनली चेल्सी वर्सेस टॉटेनहम जहाँ पे एक डर्बी होने वाली है, लंदन डर्बी। ऑल्सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि टॉप टू की टीम्स जो है वो आज फाइट करने वाली है, बट इट इज़ ऑल्सो दैट की इट्स मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस, जोसे मरीनियो वर्सेस फ्रैंक लैम्पार्ड। और भाई साहब, अगर आपको याद होगा तो उस जोसे मरीनियो की टीम जिसने चेल्सी को प्रीमियर लीग जिताया था, उसमें फ्रैंक लैम्पार्ड भी थे। तो इट्स ऑल्सो मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस। सो लेट्स गेट इनटू द मैच प्रीव्यू real quick. I know this is not a very good place to sit and make a football kind of video, जैसे ये एक गाड़ी की रिव्यू हो जा रही है ऐसा लग रहा है, बट भाई साहब मेरी दर्द को समझो। मेरे घर के ऊपर के दोनों रूम, मेरा रूम और गेस्ट रूम जो है उसकी सफाई चल रही है, नीचे मम्मी सो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे अच्छी लाइटिंग आके आए और मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आई एम रियली सॉरी हिंदुस्तानी भाव वाले फील देने के लिए, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। यहाँ पे ही लाइटिंग जो है वो पर्याप्त है। एनीवेज गाइस, लेट्स गेट इनटू द मैच प्रीव्यू बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैच प्रीव्यू। और भाई साहब, अगर चेल्सी की बात करी जाए और चेल्सी के हिस्ट्री के बारे में किया जाए तो दे आर दी मोस्ट डेकोरेटेड इंग्लिश टीम, लेकिन इनकी पूरी हिस्ट्री की अगर हम बात करी जाए तो इट विल बी रियली इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट इट विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ अब्रामोविच, साथ ही साथ लैम्पार्ड और साथ ही साथ जोसे मरीनियो। ये तीन बंदों का जो है वो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर चेल्सीज हिस्ट्री, और इन तीनों बंदों के बिना मेरे ख्याल से चेल्सी की हिस्ट्री की बात करना ही नहीं चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल है उसके बिना तुम बात कर पाओ। लेकिन अब हिस्ट्री को भूल जाओ, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। अब प्रेजेंट में लैम्पार्ड जो इनका बहुत ही प्यारा प्लेयर हुआ करता था वो मैनेज कर रहा है चेल्सी को, और जो इनका सबसे मतलब सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर रहा है जोसे मरीनियो, अब जो है वो टॉटेनहम को जो है वो मैनेज कर रहा है। तो हिस्ट्री को भूल जाओ, लेट्स गेट इनटू द प्रेजेंट एंड टॉक अबाउट टुडेज मैच। आज के मैच के बारे में बात कर लिया जाए तो बोथ ऑफ द टीम्स आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग, वो चाहे इनके यूएफए चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के बारे में ही बात कर लिया जाए या फिर इनके प्रीमियर लीग के कैंपेन के बारे में बात कर लिया जाए, बोथ ऑफ टीम्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। क्योंकि देखो, समर से लेके अभी तक अच्छे ट्रांसफर जो है वो चेल्सी ने किए हैं, साथ ही साथ टॉटेनहम में भी अच्छे ट्रांसफर्स करे हैं। अगर हम इनके प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के बारे में बात कर लिया जाए तो चेल्सी वॉज क्वाइट स्ट्रगलिंग विद कैपा, बट नाउ लैम्पार्ड जो है वो उससे रेड पा चुका है। अब हमारे पास जो है वो मैंडी है, तो चेल्सी के लिए मैंडी जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस डाल रहा है। ऑल्सो अगर मैं टॉटेनहम के बारे में बात कर लूँ, उनका जो अटैकिंग डुओ है, भाई साहब आग लगा रहे हैं उन लोग प्रीमियर लीग में, केन एंड सन। भाई साहब मैं क्या ही कहूँ टॉटेनहम के बारे में। ऑल्सो दो चेंज ऑफ मेंटेलिटी हमको दिखी है टॉटेनहम के पिछले सीजन से विथ जोसे मरीनियो कमिंग इन, वो भी बहुत अनबिलीवेबल है। बट लेकिन यहाँ पे इन दोनों को टॉप ऑफ द टेबल पहुँचाने का बहुत ही बड़ा जो है वो हाथ लिवरपूल और मैन सिटी का भी है। मैन सिटी तो भाई साहब बहुत ही बेकार चल रही है, बट लिवरपूल जो है वो अच्छी चल रही है, बट हियर एंड देयर हारते वारते इन लोग रह रहे हैं। जैसे कल का ही मैच ले लो, लिवरपूल वर्सेज ब्राइटन ही था, 1-1 जो है वो कल इन लोग ने ड्रॉ पाया वर्सेस ब्राइटन। तो देख रहे हो मतलब लिवरपूल भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लिप अप कर रही है, बट चेल्सी एंड टॉटेनहम आर फ्लाइंग हाई, और टॉटेनहम जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है, चेल्सी जो है वो सेकंड ऑफ द टेबल है। तो दिस विल बी अ वेरी ह्यूज मैच डिसाइडिंग द प्रीमियर लीग, कि इस प्रीमियर लीग में अगर लिवरपूल और सिटी, मेरे ख्याल से सिटी का तो पत्ता क्लियर ही है, बट अगर लिवरपूल वापस से अपने रिदम को नहीं ला पाती है, देन मेरे ख्याल से इट विल बी बिटवीन चेल्सी एंड टॉटेनहम, अभी जो देख के लग रहा है। तो ये मैच जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो डील करेगा कि कौन जीतने वाली है प्रीमियर लीग। साथ ही साथ अगर मैं अभी चेल्सी के बारे में बात कर लूँ, ऑफकोर्स उन लोग बहुत ही प्यारे स्ट्रांग लग रहे हैं, और उनकी स्ट्रांगनेस अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज क्रिश्चियन पुलिसिच इज़ बैक, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का ख़त्म हो चुका है उनका जो भी सीन चल रहा था, साथ ही साथ हावर्ड्स इज़ ऑल्सो बैक। तो मिडफील्ड भी जो है वो थोड़ी सी अब चेल्सी की स्ट्रांग दिखेगी, क्योंकि हावर्ड्स का भी जो है वो कोरोना वायरस वाला सीन जो है वो ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे टॉटेनहम का जो मेन डिफेंडर है टॉबी, ही इज़ आउट बिकॉज ऑफ अ ग्रोइन इंजरी, साथ ही साथ सैंचेस को पूरा 90 मिनट खिलाया गया था, तो मेरे ख्याल से सैंचेस भी जो है वो थोड़ा सा थका हुआ नज़र आ सकता है हमको। इसीलिए जो रेडन को जो है वो पहला पूरा मैच जो है वो प्रीमियर लीग का खेलते हुए हम देख सकते हैं, बट डोहर्टी इज़
बैक विद द कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, तो हो सकता है कि डोहर्टी भी हमको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हुए नजर आए टॉटनहम की साइड में। तो बोथ ऑफ दी टीम्स आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और भाई साहब पता नहीं कौन जीतेगा बिकॉज इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल ऑफ अ मैच, बट इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू सी। क्योंकि अगर देखो मैं चेल्सी के बारे में बात कर लूँ, ईच एंड एवरी वन इज ऑन फॉर्म, मेसन माउंट अच्छा खेल रहा है, साथ ही साथ टैबी अब्राहम बहुत ही प्यारा खेल रहा है, वर्नर को जो नया रोल मिला है ऑन द लेफ्ट फ्लैंक बहुत ही प्यारा वहाँ पे वो एडजस्ट करते हुए नजर आया है, हकीम जियाज़ भी बेहतरीन खेल रहा है, एंड मेंडी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, क्लीन शीट पे क्लीन शीट जो है वो चेल्सी के लिए निकाल के लेके आ रहा है। और टॉटनहम भाई साहब उन लोग भी बहुत आग खेल रहे हैं, हैरी केन एंड सन के बारे में मैंने तुमको बताया, हॉजबर्ग जो है वो भी बेहतरीन नजर आ रहा है, एंड हुगो लॉरिस भी बहुत ही प्यारे फॉर्म के साथ चल रहा है। तो भाई साहब और हाँ, रिग्वेलिन को कैसे भूल सकते हैं भाई, वो तो भाई आग ही लगा रहा है ना, और उसको तो जोसे मरीनो ने हैम वैम भी खिला विला दिया था, तो भाई वो भी आग लगाएगा इस मैच में भी हो सकता है। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज ऑफ अ मैच, मज़ा आएगा देखने में कि कौन जीत के आएगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर वॉचिंग दिस मैच, क्योंकि भाई साहब दोनों टीम जो है वो टक्कर का मुकाबला देने वाली है। बट एक छोटा सा फैक्ट जो है वो मेरे को यू नो टेंशन दे रहा है, और वो फैक्ट ये है कि टॉटनहम जो है वो उसका मतलब चेल्सी के ग्राउंड में बहुत ही बेकार जो है वो परफॉर्म हुआ है, मतलब टॉटनहम इन स्टैमफोर्ड फ्रिज वहाँ पे उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं गया है। अगर मैं स्टैट्स के बारे में बात कर लूँ, वो अपने आज तक 56 प्रीमियर लीग मैचेस में इन स्टैमफोर्ड फ्रिज केवल एक ही जीत के लेके आए हैं, और ये केवल टॉटनहम की कहानी नहीं है, जोसे मरीनो ऑल्सो ऐसा मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है स्टैमफोर्ड ब्रिज में। तो क्या आज ये हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड लिखने वाले हैं इन लोग, कि भैया आज हम 56 गेम्स के बाद जीत रहे हैं, कि फिर से वही जोसे मरीनो एक डिसअपॉइंटमेंट लेके आएंगे स्टैमफोर्ड ब्रिज से, ये देखने वाली बात होगी। बट मेरे ख्याल से भाई साहब बहुत ही तगड़ा जो है वो ये मैच होने वाला है। अगर मैं लाइनअप के बारे में बात कर लूँ, तो ऑफकोर्स ऐसा कुछ हमको चेल्सी का लाइनअप देखने को मिल सकता है, इन दी गोलकीपिंग हमको मेंडी देखने को मिलेंगे विद जेम्स जुमा सिल्वर एंड चिलवेल जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो अगर मैं मिडफील्ड के बारे में बात कर लूं, हावर्ड्स वापस आ चुके हैं, कांटे और माउंट भाई साहब आग लगाओ इन दोनों भी खेल रहे हैं, साथ ही साथ जीएस अब्राहम और वर्नर जो है वो हमको ऑन दी अटैकिंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं टॉटनहम के बारे में बात कर लूँ, ऑफकोर्स लॉरिस स्टार्ट करेंगे, दोहर्टी रॉडन डायर एंड रिग्वेलिन विल बी स्टार्टिंग इन द डिफेंस, सिसेको हॉजबर्ग एंड एंडो बेले विल बी इन द मिडफील्ड, साथ ही साथ सन केन एंड बर्जाविन विल बी स्टार्टिंग इन अटैकिंग साइड। तो ये हो गया टॉटनहम की भी बात। तो अब देखो भाई मैं सच बात बता रहा हूँ, बहुत ही कड़ा मैच होने वाला है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कौन जीतेगी, बट मेरा दिल कह रहा है कि इस बार फिर से जो है वो जोसे मरी होने की मेंटेलिटी कुछ यहां पे निकाल के ले आएगी। आई थिंक इट विल बी अ टॉटनहम विन विद 2-1। और आपकी क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको मिलेगा शॉर्ट आउट इन द नेक्स्ट मैच रिव्यू ऑफ दिस मैच ओनली। और अगर आप मैच को लाइव देखना चाहते हैं, रात को 10 बजे जुड़ जाना एक ही डिस्कॉर्ड सर्वर पे, जहां पे मैच का जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। सो मज़ा आएगा भाई, इट्स अ क्लासी ऑफ अ मैच, आई थिंक इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग देन लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी, उससे तो लाख गुना इंटरेस्टिंग होगा यार। मेरे को इंतज़ार नहीं हो रहा है, आई एम मच मोर एक्साइटेड फॉर दिस मैच देन बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दिस इज शेज़ एनी और बाय-बाय, टेक केयर, पीस। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कम ऑन यू स्पर्स, भाई साहब कम ऑन यू स्पर्स, जय हिंद। गंदा लगा सुनने में लेकिन ठीक है।